वहीं चाचौड़ पहुंचे उज्जैन के पूर्व सांसद चिंतामणि मालवीय ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। चिंतामणि मालवीय ने कहा कि कांग्रेस हारी हुई लड़ाई लड़ रही है, कांग्रेस अंदर से टूटी और बिखरी हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हर वर्ग को धोखा देने का काम किया है। चिंतामणि मालवीय ने कहा कि कांग्रेस की सरकार झूठ की बुनियाद पर खड़ी थी, जिसको लेकर लोगों में काफी आक्रोश है। उन्होंने प्रदेश में होने वाले उपचुनावों में बीजेपी की जीत का दावा भी किया। कांग्रेस हारी हुई लड़ाई लड़ रही है और अंदर से टूटी हुई बिखरी हुई हतोत्साहित पूरा दल है, क्योंकि उसके ऊपर वो समझ रही है कि पूरा प्रदेश में गुस्सा है। जिस तरह उन्होंने 15 महीने अराजकता की सरकार चलाई है, जिस तरह 15 महीने उन्होंने इस प्रदेश को लूटा खसोटा है, उसकी कोई मिसाल नहीं है। दूसरा, हर वर्ग को धोखा देने का काम किया उन्होंने। किसानों को धोखा दिया कि हम आपका ऋण माफ़ करेंगे, जो आज तक नहीं किया।